हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 8 बज गए हैं, गुड्डू चिंकी गए हैं केवल स्कूल में, और आरू सारुषी नंदनी तीनों की लगवा दी है छुट्टी, क्योंकि आज जो है नंदनी लड़कियों के हाथ से भी तो मुहूर्त होगा ना। तो गुड्डू चिंकी का था स्किल टेस्ट, तो इस वजह से उन लोगों को जाना पड़ा, और ये कह रहे थे मम्मी किसी का टाइम होगा तो भेज दियो। मतलब बच्चों के मन में, बड़ों छोटों के सब के मन में इतना एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा, और आप सब भी इस दिन का बेसब्री से कर रहे थे इंतज़ार। तो प्रीति लगा रही है झाड़ू, झाड़ू एक बार लगा दी थी लेकिन बाइक इधर को घुमा दी ना, सारे को मिट्टी मिट्टी हो रही, और ये मिट्टी पैरों पर चिपक के जाती है फिर अंदर। और आज हमारे घर के सामने हो रही है खुदाई रोड की, अभी तक तो कटिंग चल रही थी, अभी खुदाई हो रही है, तो आज जो है निकलने बढ़ने के लिए भी हमारे टास्क जैसा हो जाएगा। सुबह से मेरा टाइम नहीं लगा जाने का बिल्कुल भी घेर में, क्योंकि मैंने नाश्ता बनाया, चाय बनाई, फिर सबके लिए चाय बनवा के भिजवाई, वहाँ से पूजा पाठ करी। तो अभी मैं प्रीति को कह रही तू फटाफट से जो है रेडी हो जा, नहा धो के पूजा पाठ कर ले, क्योंकि आज हमारा व्रत भी है, 3-4 जनों का तो व्रत ही है। और इधर मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं, और मैं जब तक कटिंग करूंगी सब्जी की, और पूजा भी आ जाएगी। पूजा को फ़ोन कर दिया प्रीति ने, वैसे तो वो कल ही बोल रही थी कि मैं कल आ जाऊंगी, और बाकी सब तो घर में यहीं पे हैं सब, तो वहाँ का ध्यान रखेगी रोक्सी। 2 दिन से जो है घर की मालकिन बनी हुई है रोक्सी। तो चलो जी अपने काम पे लग जाते हैं, सब्जी की कटिंग करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। और इधर हमने कढ़ी के लिए जो दही जमाई थी वो भी लगा दी है, और लस्सी बन जाएगी। तो खाने में हम बनाएंगे कढ़ी चावल सूखी सब्जी पूड़ी, तो ये सब चीज़ें आज बनने वाली है। तो चलिए गाइस लग जाते हैं अपने काम पे, और आप सब भी अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हम आज बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। एक शादी जैसे शादी करते हैं ना किसी की, उसी तरीके से ये भी बहुत ही बड़ा है मेरे लिए तो। और खाना बहुत सारे लोगों को बनेगा, बावर्ची हम तीनों चारों, बस पूजा भी शामिल है इस बावर्ची में क्योंकि भाई पूजा की हेल्प भी, चाहे वो आटा बनाओ चाहे वह सर्व करके दो, मतलब आवे वो भी उसमें ही हेल्प बहुत हो जा फिर भी। तो गाइज अभी जाना है हमें पूजा करने के लिए घेर में, और ये रही पूजा की सामग्री, जो जो पिताजी ने बताया था मैंने वही रखा है, 2 दिए चीनी चावल और हल्दी, माचिस रख लिया दिया जलाने के लिए, और मीठे में मंगाए हैं ये बतासे, ये देखो ये रहे, और लड्डू भी हैं, लड्डू ये रहे जो कि आरुष के फेवरेट होते हैं। तो आरुष जो है आज सबको खिलाने वाला है लड्डू, और आप सब भी आ जाइए मुंह मीठा कर लीजिए। बच्चे थे काफ़ी देर से परेशान घर में आने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं सारे के सारे, और फिर मैंने बोला था कि मैं और माँ जाएंगे, क्योंकि घर के सामने बहुत ज़्यादा गली खुदी हुई है पाइपलाइन दापने के लिए। तो ये देखिए सारे के सारे मिलकर पूजा पाठ करेंगे अभी यहाँ पर। प्रीति घर पर है, वो पूजा कर रही थी और कान्हा जी को नहला रही थी, क्योंकि उससे पहले गुड्डू चिंकी का नाश्ता बनाया और इन बच्चों को नहला दिया था, ड्रेस भी पहना दी थी, फिर इनकी ड्रेस जो है चेंज करा दी, बोले कि इन्हें भेजते ही नहीं बस आज। तो यहाँ पर मैंने 3 ईंटें रखवा ली है धोकर, और सबसे पहले पिताजी बोले स्वास्तिक बनाने को, तो इस तरीके से यहाँ पर पूजा होगी। और एक कटोरी में बड़ी बत्ती रखकर उसमें जो है दीपक जलाएंगे, जिससे कि दीपक देर तक जलता रहे। नहीं, ये पूजा करवा दी। जे मेरा खंदे मांगू में तो 100 का नोट है, और जो भी 20 का, यो 10 का, जो 50 का, यो 100 का, यो भी उसका ही है 20 का, और यो भी 100 का है। तो स्वास्तिक मैंने बना दिया है, और अब बस दीपक पे सबका हाथ लगवा दिया था, जितने भी लोग हैं हमारे घर के सदस्य हैं। तो यहाँ पर माँ फूल भी ले आई थी तोड़कर, और ये भी चढ़ाऊँगी, लेकिन सबसे पहले मैंने दीपक जलाया यहाँ पर पूजा करने के लिए। तो अब सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके चढ़ा देते हैं, चावल वगैरह जो भी, और चीनी लेकर आई थी मैं मीठे में, लेकिन पतासे और लड्डू भी हमने मंगवा लिए थे, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर हैं सबको प्रसाद बाँटा जाएगा। और ये कन्याओं के पैसे हैं, और जो मशीन वाले भैया होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं मेन, उन्हें भी पैसे दिए जाते हैं नेक के लिए कि काम अच्छे से हो जाए, क्योंकि उन सब की सबसे ज़्यादा मेहनत होती है परिवार के साथ साथ में। और ये देखे अभी माँ बोल रही है जितने भी हमारे देवी देवता हैं सबका नाम लेके, सबका आशीर्वाद लेके जो है यहाँ पर पूजा पाठ जो है हो जाएगी। तो ये देखिए जी, मैंने जितने भी जिन्हें जिन्हें हम मानते हैं सबका नाम ले दिया है। घर पर भी मैंने प्रसाद निकाल दिया था, गाय माता को दे दिया था 20 रुपये और 100 रुपये 20 रुपये 100 रुपये और 100 रुपये 20 रुपये 20 रुपये।
नंदू ने ले रखे। नंदू का भी है इसमें, नंदू का भी इसी में लेता। कितने इसमें एक हो रहा है इसका। कितने पैसे नंदनी है? तो अभी आ गई हूँ मैं मशीन की पूजा करने के लिए। ये है वो मशीन, हमारे पास वाले गांव से है और इससे जो है लेंटर की तैयारी होगी बनाने की और सारा मटेरियल इसी में घुलने वाला है। तो पूजा पाठ हो चुकी है इसकी भी और अब जितने भी मशीन वाले भैया है सबको मैं यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको लड्डू दे दूँगी, क्योंकि यहां के लिए मैंने अलग जो है ले लिए थे। तो अब सबको प्रसाद वितरित करना शुरू कर दिया है जितने भी लोग हैं, क्योंकि मुँह मीठा करके ही लड्डू निकालता है, बूंदी के लड्डू का है। तो शादी का काम जो होता है और घर बनाने का काम वो बिल्कुल एक जैसा होता है। तो यहाँ पर देखिए पूरी छत पर जो है फिटिंग बिछ चुकी है और ये जो पट्टियाँ हैं ये ऐसे कैसी रहेगी, क्योंकि जब प्लेटें हटेगी ये खुद ब खुद उतर जाएगी। तो गाइस मैं आ गई हूँ घर और घर पे देखा तो यहाँ पर चावल भी बॉयल हो चुके हैं आधे, ये देखो हलवाई छोटे वाले लगे हुए हैं। तो चलो जी अभी मिक्स वेज की तैयारी कर रहे थे और मिक्स वेज में डालने के लिए आलू हमने बॉईल कर ली जिससे कि हमारी सब्जी जो है जल्दी बन जाएगी। और ये देखो ये बना दिए प्रीति ने चावल और बच्चों को ले आई मैं घर पर ही, क्योंकि बच्चे फिर वहाँ पर करते परेशान। तो ये देखिए जी प्रीति मेरा, माँ का, पूजा का, अमित का, सबका फास्ट है। और प्रीति ने यहाँ पर, क्योंकि मैंने सुबह के टाइम ही धोकर चावल भिगो दिए थे एक भगोने में, जितने भी ये चावल फूलते हैं उतने ही अच्छे बनते हैं, तो इसने चावल उबाल भी दिए हैं और थोड़े बहुत बचे हैं, क्योंकि दो जगह बताया था माँ ने, 2-2.5 किलो का उनका अंदाज़ा था पूरा कि इतने बनेंगे, तो ये काफ़ी रहेंगे, मतलब 50 आदमियों खाना इतने उसमें बन जाता है। तो यहाँ पर पूजा जो है आलू छील रही है, जब मैं घेर में पूजा करने के ले गई ये मेरे बाद में यहाँ आई होगी, नहीं तो मैं इसे भी लेकर जाती, क्योंकि ये भी हमारे घर की लड़की है, लड़कियों के हाथों से ये सारे काम होते हैं तो अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं घिया काट रही हूँ, थोड़ा सब्जी में घिया भी ऐड करेंगे, ये हमारे घर की घिया है जिससे कि सब्जी में चिकनाहट रहे, सूखी सब्जी अच्छी लगती है। तो अमित अंकित जो है अभी ये कैंपर भर रहे हैं और इसमें ठंडा पानी डाल देंगे तो ये ठंडा हो जाएगा। इधर माँ ने जो है घोल तैयार कर दिया है, ये देखिए मक्खन निकाल दिया है लस्सी में से, क्योंकि दही हमने रात मोल का दूध लेके जो है जमा ली थी। और ये देखिए इधर इसने प्रीति ने शिमला मिर्च फ्राई कर दिया है, तो दोनों चीज़ों का काम जो है लगभग चल रहा है। जब तक उधर ये काम होगा लेंटर घुलने का तब तक हम लोग जो है यहाँ पर खाना बनाकर तैयार कर देंगे जितने भी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये हंसी खेल या मजाक नहीं होता, देखो बहुत मेहनत लगती है ये सब करने में, लेकिन अपने अंदर एक जज्बा और कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, हम जो भी काम करें हंसी खुशी से हमें करना चाहिए, दिल से करना चाहिए तो वो अच्छा ही होता है। तो यहाँ पर तीनों सास बहू लगी हुई है, हमने माँ को बोला था कि आपका जो मेजरमेंट है वो अच्छा रहता है एकदम और स्वाद आता है हर चीज़ में। तो माँ यहाँ पर बेसन घोल रही थी हाथों से ना कि किसी चीज़ से। और पूजा ने जो है सारी सब्जियों की कटिंग कर दी है, इधर मैंने पकौड़ियों के लिए बेसन का घोल तैयार कर दिया है, थोड़ी देर पहले घोल बना के रख देते हैं तो पकौड़े जो हैं बहुत अच्छे बनते हैं। तो माँ पूछ रही थी नमक कितना डालना है, बाद में भी डलेगा थोड़ा सा। इधर इसने जो देखिए सूखी सब्जी का सारा जो है मटेरियल तैयार कर दिया है प्रीति ने, और जब तक यहाँ पर धूप आएगी उससे पहले ही हम बड़े बड़े पतीलों में भगोने में ये सारी चीजें बनाकर तैयार कर देंगे। उधर चावल दूसरे चूल्हे पर मैंने रख दिए हैं, फिर जैसे ही चावल बन जाएंगे तो वहां पर मैं पकोड़े बना लूंगी और इधर कड़ी बन जाएगी, क्योंकि सूखी सब्जी बहुत जल्दी से बनने वाली है। जो चीजें थी वो सारी फ्राई हो जाएगी और जो आलू है वो हमारे बॉइल्ड हैं, वो उबाल लिए थे हमने पहले ही। तो यहाँ पर मैंने चावल डाल दिए हैं, पानी जो है खदक चुका था यहाँ पर दूसरे चूल्हे पर, जब तक पूरी बनाने का टाइम आएगा ना यहाँ पे तो जब तक छाँव आ जाएगी। तो ये कुछ चावल पसाए हुए रखे थे इनको मैंने भिगोने में कर दिया है, तो 2-3 लोग की थी ये मैंने सारी काट ली हैं, घर की हैं और सूखी सब्जी में काफ़ी टेस्टी लगेगी, इससे और भी ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा और सब्जी कुछ डिफरेंट सी हो जाती है। तो ये देखिए इसने मसाला प्रीति ने बहुत अच्छा बना के तैयार किया है, कुछ आलू बचे हुए थे तो वो भी जो है अभी हम लोग काट लेंगे और छील लेंगे, यहाँ से साथ के साथ सारा सामान जो है अपना संगवा देंगे क्योंकि तेज़ धूप आने वाली है और बच्चे तो अपना जो है इधर उधर घूम ही रहे हैं, इन्हें हम घेर में से लेकर आ गए थे। और देखिए सब्जी जब इसमें लौकी गल गई तो प्रीति ने इसमें शिमला मिर्च डाल दी थी और खड़े मसाले भी आज डाले हैं हमने, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है उनसे। जो मैं मसाला लेकर आई थी उसमें से मैंने कुछ बचा लिए थे, जो सब उत्तम मसाला हम लोग पीसने वाले थे। तो ये आलू की कटिंग हो गई है, अब इस मसाले में सारे आलू को जो है अच्छे से मिक्स करना है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है प्रीति सब्जी बना रही है मन लगा कर दिल लगा कर, तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी दिन से आप सब भी इंतज़ार कर रहे थे इस घड़ी का और हम सब भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो घड़ी आएगी कि हमारा लेंटर बन जाएगा, हम छत पे घूमा करेंगे, रोज़ बजाया करेंगे इधर उधर।
तो बहुत अच्छा लगता है। और बाहर से हमारे अभी पानी की व्यवस्था हो जाएगी क्योंकि पाइपलाइन बिछ रही है, तो टंकी आ जाएगी घर घर, तो और भी अच्छा, एक चीज़ का और हमें फ़ायदा हो जाएगा। सड़क अच्छी बन जाएगी, ऊंची बनेगी, वहाँ से जैसे उस पर मटीरियल डलेगा तो पानी नहीं भरेगा घर के सामने, गंदगी नहीं होगी ज़्यादा, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। बीमारियाँ जब भी आती है वो गंदगी की वजह से आती है, पानी जब भी भरा रहता है कहीं भी किसी भी जगह पर तो वो उसी वजह से आती है। तो यहाँ पर सूखी सब्जी बन गई थी और अब बड़ा पतीला, बहुत बड़ा साइज है इस पतीले का, वैसे ही लग रहा है फ़ोन में देखने से। तो यहाँ पर कढ़ी बनाने की तैयारी, तेल डाल लिया था प्रीति ने, और एक दूसरे की एडवाइस जब भी कोई काम करते हैं तो उसमें ज़रूर लेते हैं, तो इसमें डाल दिया है हरी मिर्च का पेस्ट, क्योंकि लाल मिर्च जो है ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है, वो तो पाउडर होता है, कलर के लिए होता है केवल। तो सारे हल्दी, नून, मिर्च मसाले, जितने भी मसाले हैं घर में, वो मैंने सब यहीं पर लाकर रख दिए थे। तो मैं भी इधर खड़ी थी पास में ही, और बीच बीच में मैं दूसरे चूल्हे की भी ड्यूटी पुगा रही थी, क्योंकि उसमें जलाना भी होता है और चावलों को ये भी देखना होता है कि कहीं ये इसमें नीचे लग ना जाए या फिर गुलत ना बन जाए। तो ये छोंक हो गया तैयार। लहसुन प्याज हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि हम लोगों का फास्ट था, फिर हम लोग भी इस प्रसाद को खा लेंगे शाम के टाइम। लेकिन बिना लहसुन प्याज के भी सब्ज़ी अच्छी बनी हुई थी दोनों की दोनों। हमने जितने खड़े मसाले वगैरह, जितने मसाले और थे वो डाल दिए थे इसमें, धनिया, सौंफ, जितने भी थे यहाँ पर सब चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए, अब इसमें जितना ये बेसन का घोल था उतना ही हमें पानी डालना है, तब जाकर कढ़ी हमारी एकदम परफेक्ट बनेगी। ज़्यादा गाढ़ी हमको नहीं बनानी है, मीडियम सी ही बनानी है चावलों के हिसाब से, जब तक गुड्डू चिंकी आ जाएगी। लेकिन वो दोनों बोल रही थी कि मम्मी जब हम लोग या तो किसी को लेने के लिए भेज दो या फिर हम लोग आएंगे तो तभी खाना खिलाना, लेकिन मुझे लगता है कि वही टाइम हो जाएगा। अभी यहाँ पर मैंने चावल उतारने के बाद में पकौड़े तलने शुरू कर दिए हैं, तो पकौड़े तले गए थे, फिर मैंने ये खदक गई थी कड़ी काफ़ी देर से, तो इसमें जो है ये पकौड़े डाल दिए हैं, थोड़ा हींग डाल दिया है। तो अभी इनको मिक्स कर देती हूँ और जो कसूरी मेथी है वो भी डाल देती हूँ सारी की सारी। कसूरी मेथी से अच्छा स्वाद आता है। जो धनिया पत्ती थी वो सारी की सारी ना एक तो यूज हो गई, जो बची हुई थी वो ख़राब हो गई थी, क्योंकि आजकल की सब्जियाँ नहीं रुकती है कोई भी हो। सर्दियों में 10-10, 12-12 दिन तक सब्जियाँ रुक जाती हैं, लेकिन इस बरसात के मौसम में नहीं रुकती है। तो भाई 12:10 हो गए और सुबह से लगे लगे ये टाइम हो गया, पर खाना जो है तैयार हो गया, बन गया, बस पूरी तलनी रह रही और बर्तनों में ये डिस्पोजल चले गए। आज कल भी यही थे, इसमें ही खाया था हमने, क्योंकि जब लंगर चला है तो इनमें ही मज़ा आया खाने में। ये देखो गिलास मंगा लिए चाय के कप। हाँ भाई मम्मी, हाँ बता। परेशान हो गया आज घर रह गए, परेशान हो गया, और इस टाइम तक तो ये स्कूल में ना आ जाते, ये गेर में जा गया, लेकिन वहाँ बच्चों के लिए अलाउ नहीं है आज भाई, नहीं गेर में नहीं जाना। तो अब पूरी तलेंगे, उस वाले चूल्हे पे भी धूप आगी और इस वाले चूल्हे पे भी धूप आगी, पर इस पर छाँ आ जाएगी थोड़ी देर में, जब तक पूजा आटा लगा के तैयार करेगी। और ये देखो जी, ये है सारे बर्तन जिसमें बनाया हमने खाना माँ की निगरानी में, और ये पकोड़े बच्चों के लिए अलग निकाल दिए थे, इन्हें देख के ही रस आ जाना इस वजह से। ये बन गए चावल, ये बन गए चावल इसमें, और इसमें बनेगी सूखी सब्जी ये देखो, और वहाँ बननी है बड़े पतीले में कड़ी। ठंडी होगी इसकी चप्पल, धूप में आ गई थी तो वे गर्म हो गई थी। हाँ भाई मम्मी मैं फिर भी जाऊंगा। ये देखो जिद कर रहा, कितना बढ़िया मौसम हो गया, पूजा नु गहरी हवा चल रही ना, पर मारे तो कपड़े पसीने भीग रहे, देख एकदम तो कितना तकड़ा बादल आया। ये भादवा सावन चली तो रहा, लेकिन भादवे का महीना है इसमें, नहीं रह गया धूप छाओ जैसा, ये डराने वाला महीना ही हो गया है। हाँ हाँ ले ले बेटा, ये थारे नाम की बनाई मन इसी वजह से। मम्मी मैं घर में जाऊंगा कुछ करके कुछ। चलो भाई खाना बन के तैयार है, और भोलेनाथ जो है सबकी लाज रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, तो आज आज बारिश मत करना, फिर रोज बारिश करना। तो भाई जब जब भी बादल आवे सबकी धड़कने जो है तेज हो जा, और बोलते नहीं एक दूसरे के साथ में। ये देखो दोबारा फिर धूप निकल गया, फिर बादल सा बन गया, बूंद आली सी बीच में दो फेरी, पर हम भी पूरी बनावेंगे। और देखो भोलेनाथ की कृपा तो लैंटर बन कर रहेगा आज, बिल्कुल एक घंटे का काम रहेगा, केवल एक घंटे में हमें भी पूरी तलनी सारी की सारी, और घर तक लेकर घेर लो, धक 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 नूरी सबके।
पर नहीं करे भगवान भाई, सीमेंट वीमेंट सारा मटेरियल जो है खुले में पड़ा ना, और ऊपर सब वो नहीं आई, जब से लाइट नहीं आई, लाइट का भी तो पंगा हो जाना ऐसे मौसम में, पानी जरूर से आ गया उसमें। चलो खैर कोई बात नहीं, भगवान सबकी रक्षा करे, उन्हें सब कुछ पता किसे क्या क्या चाह हो जाएगा, और आप लोगों के आशीर्वाद तय ये भी काम, एक भी आगा काम, अरे भी आगा अरियो ये काम मकान बनाने का, ये बिल्कुल मैं तो इन्हें एक जैसे ही मान लूँ बस। बट जगह कंपनी आई इसे ठाक ले गई, और वहाँ बस छुट्टी है बोला, इधर डाक अरियो डाका भी जाएगा, एक प्लेट आ जाएगी, गरम गरम रह जाएगी पूरी। तो भाई हेलो जी, राम राम जी। अभी टाइम लगा मेरा इसलिए कर रहा हूँ, और अभी बजे हैं 5:30 शाम के। आज बहुत बड़ा टास्क है, था लेंटर लग रहा था भाई आज, और मैं वहीं बिजी था, सुबह 6 बजे उठ के उसी काम धाम में लग रहे थे हम सब सारे। तो भाई काम निपटा था लगभग 2:30 बजे, और अब बज रहे 5। इस बीच में हमने क्या करा, इस बीच में हमने कुछ नहीं करा, इंगे तो उंगे लेटते फिर रहे क्योंकि थकान हो रही थी बहुत ज़्यादा, और इसका तो भी उठने को जी नहीं कर रहा है, अभी तो लेटी थी बेचारिया। हाँ बैठ गई वहीं की वहीं जहाँ लेट रही थी, लेकिन वहाँ से आगे चलने को जी नहीं कर रहा। खैर इन्होंने भी बहुत काम करा भाई, क्योंकि कम से कम 50 आदमियों का तो खाना बना होगा, और सारा इन्होंने चूल्हे पर और उस पर बनाया है। तो भाई देखो इतने तादाद में जो है काम करना, थकान तो हो ही जावे, मुझे खुद ही हो रही। मैंने कोई ऐसा काम नहीं करा कि भाई कुछ हार्ड काम करा वजन उठाने का, लेकिन चलने फिरने में मैं बहुत थक गया। सामान मटेरियल की आपूर्ति करना इसमें बहुत बड़ी चुनौती है, ये बहुत बड़ा टास्क है, और हम सब लग रहे थे उसी में, लेबर अपना काम कर रही थी, और बीच में ना भाई मौसम भी ख़राब हो गया था। तो सबसे बड़ा डर ये रह गया है भाई लेंटर में, कि बीच में अगर मौसम ख़राब हो जाए, बारिश आ जाए, तो भाई खतरनाक हो जाए स्थिति। लेकिन उसका भी शुक्र रहा इंद्र देवता का भी, भगवान भोलेनाथ थोड़ी सी बूंद डाल ली, जिनसे कोई ज़्यादा नुकसान हानि या क्षति पहुँची नहीं है, और काम जो है कुशल पूर्वक कुशल मंगल सब खत्म हो गया था, निपट गया था। तो अभी सब आराम के बूंद में थे, और खाना तो जब ही खा लिया था सबने, और आज हम सबने हाँ भाई व्रत था इनका 6 जनों का। तो ये थी प्रीति, अरविंद, अमित, दो कौन से और, पूजा अमित माँ, अच्छा माँ और पूजा, तो 6 जनों का तो व्रत ही था भाई। इनके अलावा जो बाकी सब थे उनकी बात कर रहा हूँ। भोजन हमने आज वहीं पे करा, घेर में ही शुरुआत कर दी हमने भी वहाँ भोजन करने की, तो भंडारा टाइप का था भाई, बहुत अच्छा लगा, ऐसे अच्छा लगे बैठ कर खाना, ज़मीन पर खाया बैठ कर हमने वहाँ से। और बस अब हो गया चाय का टाइम मेरा, तो भाई अभी मैं चाय पी लूँ तब बात करते हैं।